एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रवण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस परम पिता परमात्मा देवाधिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं और प्राणी मात्र की मंगल की कामना करते हैं, उस प्रभु की अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के कठोर तप को, परिचय सर्गों को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। अरिहंत परमात्मा की 35 वाणी के अतिशय की चर्चा चल रही है। भगवान जिस विषय का प्रतिपादन करते हैं उसी को पूर्ण करते हैं, उसी की कथन की पुष्टि करते हैं। जैसे आत्मा के अष्ट गुणों की बात करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं, और अष्ट गुणों की संपदा का व्याख्यान बार बार करते हैं। कल हमने चर्चा की थी, प्रभु अस्तित्व की बात करते हैं, व्यक्तित्व की चर्चा नहीं करते। यदि हमें स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो जितना भी हमने ज्ञान लिखा, पढ़ा, याद किया, बुद्धि के स्तर पर किया, वो सारे संस्कार बन जाते हैं और संस्कार भारी होकर हम जन्म और मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। स्वरूप का बोध होने के पर वो संस्कार टूटते हैं और हम अपने रूप में आते हैं। जैसे अभी 19वां अध्ययन मृगापुत्र का आपने सुना, वो राजकुमार कितने सुंदर महलों में रहता है, जिसके महलों में भी रतन जड़े हैं, विवाह में और सुंदर भोगों में लीन है। अचानक उन्होंने नगरी में उत्सव चल रहा था, एक मुनि को देखा। मुनि अपनी गति से सुमति गुप्ति की साधना करता हुआ चल रहा था। उसने बाजार के नाटकों को नहीं देखा, कुतूहल को नहीं देखा, उसकी दृष्टि उसके मुनि पर पड़ी और चिंतन करने लगा कि ऐसा रूप मैंने देखा है। ऐसा चिंतन करते 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 धीरे धीरे उसका आवरण टूटता है और जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है कि मैंने भी संयम धारण किया था, अब मैं कहाँ आ गया हूँ। जाति स्मरण के उनके नरक में भी मैं गया और कैसे कैसे दुख उठाए, तुरंत महलों से नीचे आ जाता है और माता पिता को कहता है कि माँ मैंने दीक्षा ले ली है। कैसा वैराग्य होता था, कैसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता था, उनको हो जाता था, हमको क्यों नहीं होता। उन्होंने पहले जन्म में भी साधना की थी और साधना से उनको, उनके पुण्य से वो राजकुमार बने, मनुष्य बने, परंतु अचानक उनकी मुनि को देखा और देख करके वैराग्य हुआ कि ऐसा रूप मैंने देखा था। कोई ना कोई निमित्त बनता है। कहने का अर्थ है, यदि आप साधना करते हो आज नहीं आगे, ये साधना जो आप कर रहे हो व्यर्थ नहीं जाती, आपको कहीं ना कहीं ऊपर ही लेके जाती है, चाहे किसी भी जगह पे आप चले जाओ।
यही साधना। उस साधना से उनको वैराग्य हुआ, मुनि को देखा जाति समण ज्ञान हुआ। जाति समण ज्ञान होने से उन्होंने देखा कि नरकों में इतनी वेदना, कैसे मैं छेदा गया, काटा गया, फेदा गया, कितने दुख सारे वर्णन करता है, माता पिता समझाते हैं और एक एक करके। और वो माता पिता जब नहीं मानता उनको आज्ञा दे देते हैं, फिर वो जैसे मृग, माँ के नाम पर मृगा पुत्र, मृगावती का बेटा था, माँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जैसे मृग चर्या करता है, मृग अकेला रहता है, मृग शाकाहारी होता है, मृग जब कोई बीमार पड़ जाता है तो कोई इलाज नहीं करवाता, एकांत किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और आहार पानी छोड़ देता है, तला धीरे धीरे वो ठीक होता है और फिर नदी के किनारे जाता है, पानी पीता है, ठीक हो जाता है। ऐसी वो कहता, मृगा पुत्र ने कहा, पिता माँ, मृग को कौन दवाई देता है, कौन ध्यान रखता है, बीमार हो जाता है तो अकेला वो बैठ जाता है और अपने आप ठीक हो जाता है, मैं भी कोई बीमार हो गया अपने आप ठीक हो जाऊँगा। और सारा वर्णन करने के बाद माता पिता आज्ञा देते हैं और उसी जन्म में दीक्षा लेकर के एक मास का संथारा आया और भेद ज्ञान करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और लास्ट में लिखा है, अजप सत्येन, कि ध्यान के द्वारा, आत्म ध्यान के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा उन्होंने साधना की और आगे बढ़ गए। तो कहने का अर्थ, जीव को जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता, स्वरूप का बोध होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को कितना ही बोध हो जाए, यदि अपना नहीं बोध होता, तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लो पर अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। और जीव स्वयं ही जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो अपनी आलोचना करता है, आगे बढ़ता है। आगे है भगवान की वाणी, जीव आदि नौ पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले सार सार वचन बोलते हैं, निस्सार वचन नहीं बोलते। भगवान की वाणी जीव आदि नौ पदार्थ के स्वरूप को प्रकाशित करने वाली उनकी वाणी होती है और सार सार वचन बोलते हैं, निस्सार वचन नहीं बोलते। सार क्या है संसार में, सार क्या है बोलो, सार क्या है? दो तत्व हैं, जीव और अजीव। 21 में बोले राशि दो, जीव और अजीव। और दो तत्व का आगे नौ तत्व, नौ के सात तत्व, सार जिनवाणी का सार दो तत्व में, दो में भी एक तत्व का सार है। 25 बोल का थोकरा आपने पढ़ा कि कितने जीव के भेद हैं नौ तत्व में, 563 भेद हैं। जीव के छोटे 14 भेद हैं, विस्तार से 563 भेद हैं। अजीव के 14 भेद हैं, विस्तार से 560 भेद हैं। पुण्य के 9 भेद हैं, विस्तार से 42, पाप के 18 और विस्तार से 82, आसुरों के 20 भेद और आगे, संबर के 20, निर्जला के 12, बंध के 4, मोक्ष के 4, गति नरक के 14, गति भेद नरक 14, त्रयंच के 48, मनुष्य के 303, देवता के 198, कुल 563 भेद। अरूपी अजीव तत्व के 30 भेद, धर्मास्तिकाय के 3, स्कंद देश प्रदेश, अधर्मास्तिकाय के 3, स्कंद देश प्रदेश, आकाशास्तिकाय के 3, स्कंद देश प्रदेश, काल का 1 भेद और द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण के 20 भेद और 10-30 भेद, रूपी अजीव के 530, इस तरह से 560 भेद हैं। ये सारे भेद में सार क्या है, हमने सार को देखना है। दो तत्व है जीव और अजीव। हम अनादि काल से संसार भ्रमण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? चार गति 84 लाख जीवा जोने में अनादि काल, जिसका कोई आदि नहीं, इतना दुख भोगा है, क्यों भोगा है, क्या कारण है? देखिए आचार्य अमित गति, ये आपने पढ़ा होगा, 32 कथाएँ,
सत्वेशु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेशु जीवेशु कृपा परत्वं माध्यस्थ भावं विपरीतवृत्त। और बहुत सुंदर लिखा है आचार्य अमित केती ने, महाकष्ट पाता जो करता पर पदार्थ जड़ द्वय संयोग, महाकष्ट पाता जो करता पर पदार्थ जड़ दे संयोग। जड़ दे का जो संयोग करता है पर पदार्थ है, वो महान कष्ट प्राप्त करता है। चार गति 84 लाख जीव योनियों में जाता है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। समझे, मोक्ष सीधा है, जड़ चेतन का भेद करके, जड़ को अलग करके चेतन में स्थिर हो जाओ और जड़ चेतन का पूर्ण वियोग कर दो, आप सीधे चले जाओगे मोक्ष। ये मार्ग सीधा है। बार बार आत्मा ये पर पदार्थ में चला जाता है, अनंत शक्ति है आत्मा में, पर अपनी शक्ति खो देता है और मन की शक्ति प्रबल हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये आत्मा जब पर में चला जाता है, पदार्थ में, मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, संयोग में, पर पदार्थ में चला जाता है, तो महान कष्ट पाता है और हमें सुख लगता है। घर में, परिवार में, देह में, इसमें रह करके थोड़ा सा सुख मिलता और उसको हम अपना मान लेते हैं। और जो सच्चा सुख है वो तुम्हारे पास था, है, रहेगा, उसको बढ़ाओ, उसको आगे बढ़ो, उसके साथ अटैच हो जाओ। तो ये निश्चित मान लो, जड़ चेतन दो पदार्थ हैं, जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। जड़ चेतन का भेद कर दो, पूर्ण वियोग। मोक्ष महल का पथ सीधा है, यदि आप मोक्ष जाना चाहते, सीधा पथ है, आप अपने साथ रहो, किसी को कुछ मानना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं पढ़ना नहीं, कहीं लिखना नहीं, कुछ करना नहीं, इंद्रियों से प्रभावित नहीं होना, मन से प्रभावित नहीं होना, बुद्धि की निर्णय को नहीं लेना, केवल आत्मा। मन की अनंत शक्ति है। कब है? जब मन जड़ के साथ लगता है और मन की शक्ति बढ़ जाती है, आत्मा की शक्ति गौण हो जाती है, और आत्मा की अनंत शक्ति है। पर जब आत्मा अपने में स्थित है तब अनंत शक्ति है। यदि आत्मा पर में जाती है तो शक्ति तुच्छ हो जाती है और मन की शक्ति बढ़ जाती है। भगवान की जीव में अनंत गुण है, अनंत गुण, भगवान की वाणी। जीव यानी आत्मा, आत्मा में अनंत गुण है, उसको कुछ चाहिए नहीं। बोलो, है गुण के नहीं अनंत? हम क्यों जाते हैं इधर उधर, क्यों प्रभावित होते हैं पर में? ज्ञान तुम्हारे पास है, सुख तुम्हारे पास है, शक्ति तुम्हारे पास है, दर्शन तुम्हारे पास है, कुछ चाहिए नहीं जीव को। जितना संयोग है ये जड़ का, काया का, ये शरीर और इंद्रियां और मन, मन के साथ जिस जिस को आपने अपना माना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, सुखी होने के लिए क्या चाहिए, सुखी होने के लिए बेटा चाहिए, धन चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, गाड़ी चाहिए, टीवी सेट चाहिए, फिर चाहिए हीरे जवाहरात चाहिए, आभूषण चाहिए, शादी में जाने के लिए नए कपड़े चाहिए, चाहिए चाहिए है ना। आत्मा को क्या चाहिए? फिर ये सारा मिथ्यात्व है, सारा अज्ञान है, सारा मोह है। और ध्यान भी जब आप क्या करते हो तो क्या चाहिए आत्मा को? क्या जड़ का ध्यान करते हो? क्या शरीर का ध्यान करते हो? इंद्रियों का ध्यान करते हो? बुद्धि का ध्यान करते हो? इन सबको अलग करके, जड़ द्रव्य को अलग करके, देह को अलग करके, अपने को अपने में स्थित कर। आर्थ रुद्र ध्यान क्या है? जो जन्म से, जब बच्चा गर्भ में हो से बाहर आता है तो रोता है,
चिल्लाता है, भूख लगती है, पुकारता है, माँ दूध देती है, कुछ और देती है। जन्म से आर्त रुद्र शुरू हो जाते और जिंदगी भर आर्त रुद्र चला जाता है, शिकायत चली जाती है। और सुखी होने के लिए हमने सब कुछ किया पर सुख नहीं मिला। यदि आप आत्मार्थी हैं, आप ये सत्य को जान लिया है, चाहे थोड़ा ही जाना है, पूर्णता नहीं जाना, पूर्णता जान लेते तो संसार छूट जाता। अभी आपको थोड़ा सत्य मिला है और मिथ्या तो भारी है। जैसे आपको सत्य मिलता है, मिथ्या तो भारी हो जाता है। और ये आत्मा का सत्य, ये आत्मा का सुख गौण हो जाता है। अब इसको डिसइंटीग्रेट करना, इसको अलग अलग करना है। और सुख में स्वयं में बन, यात्रा स्वयं की है, पर की नहीं। यदि आपने मोक्ष जाना है तो केवल अपनी यात्रा करनी, स्वयं में स्थित होकर और कुछ नहीं करना। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने क्या किया, राजपाट छोड़ा, जंगल में गए, कोई कुटिया नहीं बनाई, कोई साथी नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, सब आश्रित छोड़ दिए और स्वीकार कर लिया अपने कर्मों पर। जो कुछ मुझे मिला है, मैंने कर्म किए हैं, मुझे भुगतान करना है। कर्म गति पर विश्वास कर लिया, रोग भी आए। संत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक रोग रहा, स्वीकार नहीं किया। और जानते थे इसकी दवा मेरे पास है, इंद्र भी आया कि दवा देता हूँ मैं, लगा लो। उसने कहा नहीं, तो मेरे कर्म रोग को ठीक कर दे, ये दवा तो मेरे पास है। क्या तुम्हारे पास है? अपना ही हाथ लिया और जिह्वा को लगाया और थूक निकाला और यहाँ लगाया और कंचन जैसी काया हो गए। वो जानते थे पर फिर भी उपचार नहीं करते कि मैंने ही कर्म बोए हैं और मुझे भुगतान करना है। ऐसे जब आप ध्यान करो, कौशल करो, मौन करो, देह कष्ट आए स्वीकार करो, मेरे पूर्व जन्म का कोई कष्ट देह पर आया है और इसको मैंने ऐसे ठीक करना है। आजकल हमारी सहन शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई, ज़रा सा कुछ होता है तो हम क्या जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, नहीं ठीक होता तो कुछ और करते हैं। ये आपकी नहीं, हमारी भी यही हालत है। हम आपसे अलग नहीं हैं, पट्टे पर बैठ बोलना आसान है पर जब कर्म आते हैं उस कर्मों को स्वीकार कर लेना, ये महावीर का मार्ग है, ये वीतरागता का मार्ग है। और बिना कर्म जो मैंने और आपने बांधे हैं, इसी देह पर निकलेंगे, इसी देह पर आपको भुगतान करना पड़ेगा और इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं। पाठ से, जप से, प्रार्थना से, मंत्र से, तंत्र से, किसी देवी देवताओं को खुश करने से कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारा जो कर्म है वो दब जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा। इसलिए बेसहारा हो जाओ, किसी के सहारे को चाहना ही मत, अपने पर विश्वास करो। मैं अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अष्ट गुणों की संपदा मेरे पास है, मुझे चाहिए क्या? जो आसक्ति, जो मोह है देह के प्रति, जो प्रेम है देह के प्रति, आसक्ति कहो, मोह कहो, प्रेम कहो, जो हमारा सोचते हैं इस जीवन में कि मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा परिवार ठीक रहे और परिवार के सब सदस्य ठीक रहे, मुझे कोई रोग ना आए, मुझे कोई मेरा सम्मान अपमान ना करे, इसके पीछे हम सारा जीवन लगा देते और मिलता हाथ कुछ भी नहीं आता। रोग भी आता है, बीमारी भी आती है, दुख भी आता है, कर्म उदय आते हैं, अपमान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, मनुष्य चला जाता है, आ जाता है। पर ये देह जो मिली है, सच में इस देह जो मिली है, इसमें क्या करना, इसका बहुत विवेक से प्रयोग करना। विवेक, विवेक के धम में एक सूत्र जो भगवान ने दिया, विवेक कैसे विवेक करोगे, कुछ भी करो स्वयं को मत भूलो, कुछ भी करो। आप चलो तो किसको याद रखो, स्वयं को याद रखो, कौन चल रहा है
शरीर चल रहा है, मैं आत्मा मात्र दृष्टा वा। किसी से बात करो, स्वयं को मत भूलो, बात चल रही है चलने दो, स्वयं को मत भूलो। भोजन बनाओ, स्वयं को मत भूलो, भोजन खाओ, स्वयं को मत भूलो। किसी की शादी में जाओ, स्वयं को मत भूलो, किसी सहेली से बात करो, स्वयं को मत भूलो, रात को सो, स्वयं को मत भूलो। हो सकता है नहीं हो सकता? देखो दो ही तत्व है, जीव और अजीव। तुम किसी का सहारा लोगे, नवकार मंत्र पढ़ोगे, लोगस पढ़ोगे, कल्याण मंत्र पढ़ोगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका पुण्य का उपार्जन हो जाएगा। तुमने किसी का सहारा ले लिया, सहारा लेना ही ना। देखो ये हमारा मिथ्यात्व भारी हो जाता है। कुछ भी करो, स्वयं को मत भूलो, ये एक सूत्र है, बहुत गहरा सूत्र है। उठो बैठो चलो, स्वयं साथ में रहे, स्वयं यानी आत्मभान बना रहे। हम भूलते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ उपदेश, पर इसका यदि हम अभ्यास करें तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बोलो। तुम एक घंटा सुबह सैर करते हो तो कितने समय स्वयं में रहते हो? मन तुरंत चला जाता है, बुद्धि कहाँ चली जाती है, विचारों में उलझ जाते हैं, आधा घंटा कहीं लग जाता है, वो बेकार हो गया, आधा घंटा हमारा बेकार हुआ। पर में गए कर्मों का बंधन, तुम ध्यान कर रहे हो, ध्यान करते करते तुम्हारा विचार कहीं कहाँ घूम रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कहानी से कहानी बन रही है, तुम्हारा ध्यान नहीं हुआ, तुम्हारे कर्मों का बंधन हो गया। जो श्वासें, जो पल, जो क्षण तुम स्वयं में रमन किया, स्वयं में स्थित हो गए, स्वयं में उतर गए, वो क्षण तुम्हारे हैं, वो क्षण तुम्हारे हैं। ऐसे ही चलते समय अपने को मत भूलो। स्वयं देखिए, स्वयं का अनुभव, स्वयं का अनुभव, स्वयं तुम हो, कौन चल रहा है, शरीर चल रहा है, इसके पीछे कौन है, तुम भोजन कर रहे हो, स्वाद कौन ले रहा है, इसके पीछे आत्मा मुर्दा को स्वाद, खाना खाएगा मुर्दा, चलेगा मुर्दा, उठेगा मुर्दा, बात करेगा मुर्दा, तो पीछे जो चेतना का बल है उसको साथ रखो, उसका एहसास रहे। जैसे माँ बच्चे पास में हो, खेलता हो, माँ का बच्चे के प्रति एहसास बना रहता है कि नहीं, वो एहसास रहना चाहिए। शरीर चल रहा है, मैं आत्मा मात्र मात्र स्वयं में दृष्टा हूँ। ये क्षण थोड़े से आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा मिथ्यात्व है, पर इसको बढ़ाओ। जब आप सैर करो, भोजन बनाओ, कितना क्षण आप स्वयं में रहते हो, ईमानदारी से नोट करना। दो चार पांच श्वास आएंगे, आपका मन कहीं लत्ती मार जाएगा, आपकी बुद्धि कहाँ चली जाएगी। तो स्वयं छूटा क्यों, क्यों छूटा? हमारा आकर्षण ही पर के प्रति है। मैंने कल कहा 24 घंटे में हम कितना समय अपने को देते हैं, सारा पर में चला जाता है। पर को छोड़ करके स्वयं में आना, केवल ही भगवान, एक श्वास भी इधर नहीं जाता उनका, केवल ही भगवान एक श्वास भी इधर नहीं लेते। वो भी हमारे जैसे हैं, सीधा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए, कर्म मैल का अंतरा बूझा, ज्ञानी बूझे सो। वो कैसे है, तुमने सिद्ध बनना है कि नहीं बनना? फिर कैसे बनोगे? एहसास, एक एहसास, जो पनिहारी कुंभ न मिश्रे नटवी नृत्य निधान। पनिहारी तीन घड़े लेके चलती है और बातें भी करती है और वह चल भी रही है, ध्यान कहाँ होता है? ऐसे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? हम भूलते हैं, हम बात करते हैं स्वयं में, पर हम पर में चले जाते हैं। मैं भी चला जाता हूँ, मैं अपनी बात भी करता हूँ, मैं आपको उपदेश देने के लिए नहीं बैठा। इसको बढ़ाओ, स्वयं में रुचि लो, स्वयं में स्थित हो जाओ, स्वयं पर श्रद्धा रखो कि मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी मौत आ जाए तो आ जाए,
क्या फर्क पड़ता है? शरीर बदलेगा, आत्मा तो अजर अमर है। क्यों जीने की चिंता करते हो? क्यों परिवार को चाहते हो? आकर्षण शरीर के प्रति है, परिवार के प्रति है, धन के प्रति है, बेटे के प्रति है, मान सम्मान चाहिए। आत्मा को क्या मान सम्मान चाहिए? आत्मा को घर चाहिए, आत्मा को बेटा चाहिए, आत्मा को भोजन चाहिए। बोलो फिर श्रद्धा आत्मा, मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए जो मुझे तृप्त कर सकती है। ये धन, ये रुपए, जब पैसा तृप्त कर सकता है आपको? बोलो। हमारा आकर्षण पर के प्रति है। गाथा पढ़ी नहीं, महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ चेतन संयोग, पर पदार्थ जड़ चेतन संयोग। आत्मा का शरीर से या शरीर के साथ जो पर पदार्थ है, परिवार, पत्नी, बेटा, संयोग, जो भी कुछ है, मान सम्मान, धन, वो मिला, उसका संयोग करता है तो महाकष्ट पाता है जीव। बोलो, क्या सुख पा लिया आपने? मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। क्या नहीं चलता? पैसे के बिना चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। देखो महात्मा गांधी के पास कितने पैसे थे, महात्मा गांधी का जीवन देखो, लाल बहादुर शास्त्री का जीवन देखो, कैसे ईमानदारी से जिए, कैसे ईमानदारी से जिए। कबीर के पास कितना था, साईं इतना दीजिए, जा में कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, पौना भी भूखा ना जाए। अपनी तृष्णा, इच्छा, आवश्यकता, वासनाओं को कम करे। मुझे क्या चाहिए? रोटी मिल गई तो ठीक, उपवास कर लो, बेला कर लो, तेला कर लो, कोई देने वाला आ जाएगा, मिल जाएगा, हमारे पास आ जाना, हम पार ना करा देंगे। पर विश्वास रखो कि कोई देगा, कोई निश्चित आएगा आपको देने के लिए। विश्वास शरीर पर नहीं, भूख पर नहीं, इंद्रियों पर नहीं, परिवार पर नहीं, अपने पर भरोसा। चंदन बाला बेड़ियां लगी, अंदर चली गई, 3 दिन की भूखी, विश्वास था कोई बचाने वाला आएगा। कोई स्तोत्र नहीं पढ़ा, कोई माला पाठ नहीं की चंदन बाला ने। कैसी प्रकृति संयोग करती है, कैसे भगवान ने 14 बोल रखे, कैसे भगवान जाती थी और कैसे समय पका, पूरन हुआ। सेठ आया, दोबारा पूछा, कहाँ है चंदन? वो चली गई, माँ मायके चली गई, ताला बंद करके। ऐसा होता है विश्वास। देखो जो कर्म मैंने और आपने बांधे हैं, आप आत्मा पर विश्वास करोगे तो कर्म आएंगे, निश्चित आएंगे, और भुगतान हो जाएगा, तुम्हें भोजन मिल जाएगा, नहीं मिला कोई बात नहीं। विश्वास, अटल विश्वास, रुचि, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, रुचि, हमारी रुचि आत्मा पर नहीं है। हम कह देते हैं रुचि, रुचि नहीं है। जो क्षण आपके स्वयं में बीते वो सन निर्जरा के हैं। इसको बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, कितने क्षण देखो, कितने क्षण बढ़ते हैं। 2-4 श्वास आते होंगे, फिर मन चला जाता है, फिर आप भूल जाते हैं, फिर रस लेने लग जाते हो, फिर जो अच्छी चीज लगती है हाथ वहीं जाता है, हाथ वहीं जाता है। हम पर प्रति बातें तो करते हैं, स्वयं में स्थित नहीं रह पाते, यही तो विवेक है हमारा। जितना तुम्हारा शुक्ल ध्यान बढ़ेगा, जितनी आत्मा की रुचि बढ़ेगी, स्वयं में तुम बढ़ते चले जाओगे। इसको बढ़ाना है, स्वयं में रुचि को बढ़ाना है। आज आपने भोजन किया, निश्चित करना कि कितने समय तक मैं स्वयं में रह करके भोजन कर रही हूँ। देखना फिर 2-4 क्षण आएंगे और उसके बाद मन कहीं चला जाएगा, फिर भूल जाओगे, फिर वापस लेके आओ, फिर भूलोगे, फिर वापस लेके आओ, फिर पूरा भोजन करने के बाद आप देखना, जो क्षण तुम्हारे स्वयं में स्थित हुए वो तुम्हारे अपने। ऐसे रात को सोते हो
तो सोने के बाद जब गाढ़ निद्रा आई, कितना समय बीत गया। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, जो संसार पतन के कारण उन विकल्पों जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। आचार्य अमित गिरि कह रहे हैं 29th कहता है, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, विकल्प संकल्प विकल्प कौन करता है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, यही तो हमें दुखी दे रही है ना। पांचों इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो, उसी में बार बार उतरो, ठहरो, लीन हो जाओ। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वो देते हैं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वो देते हैं। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते हैं। करे आप फल दे अन्य तो समय किए निष्फल होते हैं। जो आपने कर्म बांधे हैं वो फल आते हैं, उनको स्वीकार कर लो। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई नहीं फल देता कुछ भी। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई नहीं फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो, छोड़ प्रमादी बुद्धि। दूसरा दे रहा है मुझे दुख, पर देता है यह विचार तज, इसको छोड़ दो, स्थिर हो, छोड़ प्रमादी बुद्धि। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते पाते निर्मल पद निर्वाण। यदि आपने निर्वाण जाना है, मोक्ष जाना है, ये निर्मल सत्य शिवम सुंदरम वो महान अरिहंत देव शाश्वत निज में अनुभव करते पाते निर्मल पद निर्वाण, तो प्रयास करो आप अपने में स्थित होने का, अपने में लीन रहने का। नहीं रह पाते, यही तो हमारा मिथ्यात्व है। बार बार मिथ्यात्व भारी होता है। हमने जान लिया, अनुभव भी कर लिया, थोड़ा थोड़ा शुक्ल ध्यान में भी जाने लगे, पर फिर मिथ्यात्व भारी हो जाता है, फिर संसार के आकर्षण भारी हो जाते, फिर हम वहाँ चले जाते। समझे? बस दो तत्व है, जीव और अजीव। अजीव को अलग कर दो, जीव में स्थिर हो जाओ। जितना 24 मिनट ठहर गए तो काम बन जाएगा। ठहरो तो कितनी देर ठहर पाते हो? देखो, जितना तुम आत्मा में रमन करोगे, आत्मा का चिंतन करोगे, आत्मा पर श्रद्धा रखोगे, आत्मा में रुचि रख, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, भेद विज्ञान सत्य आत्मा, बाकी सब असत्य है, उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ। अनादिकाल का में पंचम काल है, केवली नहीं विचरण करते, कोई हमारे मन की बात बताने वाला नहीं है, पर फिर भी अरिहंत परमात्मा की कृपा हम पर बरसी है। और आपको ये चौथे आर्य का ध्यान मिल गया है, एक दिया जल गया। माना अमावस की रात अंधेरी है, पर दिया जलाना कब मना है? ध्यान का दिया जलाओ, विवेक का दिया जलाओ, होश का दिया जलाओ, स्वयं में स्थित होने का पुरुषार्थ करो। यही पुरुषार्थ, और ही पुरुषार्थ नहीं। तुम माला ना कर सको ना, कोई बात नहीं, स्वयं में स्थित होने का पुरुषार्थ करो। भेद विज्ञान जड़ चेतन का भेद, जितना आपका गहरा होगा उतना आगे बढ़ोगे। जो कर्म आत्मा ने अनादि काल से पर में स्थित रह के बांधे हैं वो निश्चित देह पर प्रकट होंगे। इसलिए जीव को नरक में जाना पड़ता है, जिसके भयानक कर्म है वो नरक में जाएंगे, पशु में जाएंगे, फिर वो मनुष्य बनेंगे, फिर पृथ्वी पानी अग्नि वायु, जिसका पुण्य है वो देव बन जाएंगे, और पुण्य भोग करके फिर वापस आ जाएंगे। हमें पुण्य पाप की चर्चा नहीं करनी, हमें इस आत्म तत्व को शुद्ध करना है, कर्म मल से रहित करके इसको आगे बढ़ाना। जितना तुम स्वयं में स्थित होने का पुरुषार्थ करोगे उतना धीरे 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 कर्म कटते चले जाएंगे। ध्यान करें, आंखें बंद,
मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, केवल 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 आत्मा हो। आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है। आते जाते श्वास को मात्र दृष्टा भाव से जानो और देखो। सब छोड़ दो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। एक आत्मा के सिवाय, जीव के सिवाय, चेतना के सिवाय, ज्ञान के सिवाय कुछ भी तुम्हारा नहीं। सारी पकड़ छोड़ दो। ये मोह की पकड़ है, जहाँ पकड़ है वहाँ मोह है, जहाँ इच्छा है वासना है कामना है, वो सब मोह की बात। छोड़ते चले जाओ, धीरे 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 छोड़ते चले जाओ। एक शुद्ध निर्मल निष्कलंक निर्द्वंद आत्म तत्व वो तुम हो। और भीतर गहरे चले जाएं, कोई विचार नहीं, कोई धारणा नहीं, केवल अपने में दृष्टा भाव स्वभाव में स्थित हो जाइए। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम आयंसा संयमो तमो देवावितंग नमं संति। जस धम्मे श्या मनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आरा।
अजर अमर पद होगा उसका सदा।